मटरू, मटरू की आंखें चमक रही हैं। ए मटरू की बिजली का मंडोला, मैक्स हम तुमको डालेंगे। तुम बहुत शैतानी करते हो क्योंकि तुम्हारी शैतानी सबको पसंद आती है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और आपके छोटे से प्यारे से परिवार में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड जी को बता रही थी कि लाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसका कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो वही उनको मैं कह रही थी, दिखा रही थी, देखो कितना ज़्यादा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। और जैसा कि आप देख रहे हो, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैक्स भी मेरा हाफ रहा है, मुँह खोल के बैठा है, और वो जो है देखो आ रहा है मेरे पास, मेरे पीछे बैठने। और ये रात का टाइम है, मैं जा रही हूँ नैनवा की सब्ज़ी बनाने, तो मैंने कहा चलो आज रात से ही शुरू कर देते अपना ब्लॉग। देखो कैसे मेरे पीछे आके छुप के बैठ गया, पता नहीं क्यों, इसको किस चीज़ का डर है जो मेरे पीछे छुप के बैठ गया है। तो सारा खाना होना हम लोगों ने खा लिया है, डिनर हम लोग का हो चुका है। और यहाँ पे फाइनली डिनर होने के बाद मैं वॉश कर रही हूँ अपने बर्तन को, क्योंकि अगर रात में वॉश करके रख दो तो मॉर्निंग में मुझे बहुत आराम रहता है। खाली साफ़ सफाई ही करके मुझे नहाना रहता है, ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो इसीलिए बर्तन उर्तन धो के मैं रख दूँगी। और वैसे भी बर्तन रात में धो देना चाहिए, सुबह जूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए सो के उठते ही, ये मैंने सुना है, तो इसलिए मैं धो देती हूँ। और इसके बाद जो है जल्दी जल्दी धोने के बाद अपने सिंक को भी मैं क्लीन कर दूंगी, ताकि किचन एकदम मेरा क्लीन रहे। बस मुझे मॉर्निंग में झाड़ू पोछा करके नहाना हो, पानी भरना हो, बस इतना ही काम मुझे रहता है। चुका है और कल से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ रात से, और मॉर्निंग का टाइम सुन रहा है, ट्रेन जा रही है, नहीं आई थिंक ये मालगाड़ी जा रही है। और अभी मॉर्निंग में सारी क्लीनिंग वगैरह साफ़ सफाई करके नहा धो के रेडी होके एकदम आपके सामने जा रही हूँ मैं नाश्ता बनाने। और ये हमारा एंट्री वाला दरवाज़ा है, हालांकि बाद में जब ये बन जाएगा चारों तरफ तो फिर ये दरवाज़ा तो बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो किराएदार रहेंगे, तो इसलिए ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फिर मेन डोर हमारा जो है आगे से फ्रंट से ही होगा, या फिर देखते हैं कैसे क्या होता है, कुछ पता नहीं है अभी, कुछ कैसे क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, और नाश्ते में मैं बनाने जा रही हूँ आलू और परवल की भुंजिया, और साथ में बनाऊँगी रोटी या पराठा। तो बस उसकी तैयारी मैंने करके रखी है, मैंने कहा कि चलो ब्लॉग शुरू करते हैं अपना। तो ये देख सकते हो आप, मैं आ गई हूँ अब किचन में, परवल मैंने नीचे रखा हुआ है, अभी आलू वालू निकालूंगी और बनाऊंगी। अब मैं कुछ दिन में, थोड़े दिन में जो है सोच रही हूँ ऊपर ही गैस शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि अब मेरे अंदर ताकत जो है आ गई है काम करने की। तो चलिए फटाफट बनाते हैं पहले अपना
आलू हाँ, क्या बनाते नाश्ता, और इसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, बना लूँ फटाफट। फ्रेंड्स, मेरा सारा काम जो होता है ना जल्दी जल्दी वाला रहता है, फटाफट मैं सारे काम करती हूँ। फटाफट मैंने सब्ज़ी काट के सब्ज़ी छौंक दिया है, उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मसाला, नमक डाल के इसको पका लेंगे। भुंजिया मतलब मॉर्निंग में नाश्ते के टाइम पे खाने में बहुत अच्छी लगती है, यमी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और माइंड ना करिएगा, आपको अगर थोड़ी अजीब सी आवाज़ सुनाई दी होगी तो मेरी मम्मी जो है बाथरूम में है, क्योंकि तो इसको करने के बाद ये जब तक पकेगा तब तक मैं आटा सान के पराठा सेकने के लिए तैयारी कर लूँगी। तो बस रेडी है हमारा आज का नाश्ता, आप भी आ जाओ। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा चलो आपको दिखा देते हैं अपनी तुलसी माता जी को। तो ये देखिए हमारी तुलसी कितनी अच्छे से जम चुकी है, कितने अच्छे से लग चुकी है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक गुलाब भी लगाने का सोच रही हूँ, बहुत जल्द लगा लूँगी अगर मुझे उसका बीज मिल गया तो। और बाहर का नज़ारा सुबह के टाइम कुछ ऐसा रहता है, चहल पहल तो देखिए रोड पर शुरू ही हो जाती है। दुकानें अभी नहीं खुली हैं लेकिन चहल पहल शुरू हो गई है, और धूप बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हो। मैंने कहा चलो थोड़ा छत का भी व्यू दिखा देते हैं। व्लॉग अपना बनाया और थोड़ा सा पता नहीं क्या मैसेज आया तो वही मैं देखने लगी थी। और आप लोग को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, आप लोग अच्छे अच्छे मैसेज कमेंट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, सच में एक दिल को सुकून सा मिलता है। और कभी कभी मन में ये आता है कि मेरे व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन बाद में सोचती हूँ कि मेरे तो, अरे मेरा ये निकल गया यार नाक का, नोज़ का, एक मिनट से पहन लूँ। हाँ तो मैंने पहन लिया है, पता नहीं कैसे कब निकल गया था, पता ही नहीं चला। तो ट्रेन जा रही है, जैसे ही मैं बोलने लगती हूँ वैसे ट्रेन वगैरह सब जाने लगती है। और मैं कह रही थी कि पहले मैं सोचती थी मेरे व्यूज़ कम आते हैं, लेकिन अब मैंने क्या शुरू कर दिया है ना जानते हो, अब मैं क्या करती हूँ, जिनके व्यूज़ मुझसे भी कम आते हैं मैं उनके वीडियो देखती हूँ, ताकि मुझे ये लगे कि कम से कम मेरे तो कुछ हद तक अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो हमेशा से आप लोग ऐसा ही किया करिए, जहाँ आपको लगे कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या करिए, जो आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, परेशान है, आप उनको देखिए। ऐसे आपको हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा कि नहीं, जब वो उस चीज़ को झेल सकते हैं तो मेरी दुख, मेरे दर्द तो बहुत कम है उसके आगे। तो बस यही मैं भी करने लगी हूँ अब, और मैं अब बहुत मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेती हूँ, खुश रहती हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ ये जान ली है अपने लाइफ में कि आप जितना भी सोचो, जितना भी चाहो, लेकिन होगा वही जो भगवान को मंजूर होता है। तो ज़्यादा सोचने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। और मैं अब आ गई हूँ कमरे में, बैठी हूँ, मैंने कहा चलो कमरे में बैठते हैं, या वहाँ बैठती हूँ दरवाजे पे तो वहाँ रोशनी अच्छी आएगी। तो मैं बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें सोचती रहती हूँ, तो मैं कहती हूँ, सोचती हूँ कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया करूँ चीज़ों को। तो ये रहेगा ना, मेरे ज़रिए अगर किसी को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस रहते हैं ना ज़िंदगी के, वो शेयर करते रहती हूँ। बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं जो मेरी वीडियो वॉच करती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि मैरिड होने के बाद, शादी होने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम और कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो किस तरह से सामना करना चाहिए, किस तरह से अपने को संभालना चाहिए। आप लोग मेरे ब्लॉग से बहुत सीख सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत अपने को संभाला है। मेरी लाइफ में एक पे एक प्रॉब्लम्स जो है वो आती गई, लेकिन मैंने जो है अपने आप को बहुत संभाला, बहुत अपने आप को जो है अंदर से मजबूत किया, मैंने अपने को भी किया और साथ में अपने फैमिली को भी किया। फैमिली में मेरी छोटा सा ही परिवार है, आपको पता है, मेरी मम्मी है, मेरे हस्बैंड है, पापा है, मेरी सिस्टर है, बस ज़्यादा और कोई नहीं है। और कोई को मैं इंक्लूड भी नहीं करना चाहती हूँ अपनी फैमिली में, क्योंकि
कहते हैं ना, अपने ही सबसे ज़्यादा दर्द देते हैं, तो वही चीज़ मेरे साथ हुई है। और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी, क्योंकि अगर बोलने लगूँगी ना तो इतना बोल जाऊँगी फिर सामने वाले को देख के लगेगी मिर्ची, तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि अपने ही दर्द देते हैं सबसे ज़्यादा। गैरों से तो उम्मीद भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी गैर जो है बहुत कुछ कर जाते हैं अपने लिए। और बस इसी के साथ करती हूँ ब्लॉग का एंड। कहीं भी मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो ना तो बोल देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक ज़रूर करना अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। स्किप मत करना ब्लॉग, पूरा देखना, ठीक है? बाय।